हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्यार से बोलिए जय माता दी। टीपी, आज है नवरात्रि का लास्ट दिन, तो बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर लगता है भव्य मेला और आप देख सकते हैं पीछे जगराता का भी कार्यक्रम है राजधानी चौराहे पे। और आज आप देखेंगे पब्लिक का रिएक्शन बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि मेरी भी दुकान लगती है जलेबी की और आज जलेबी बिकेगी मात्र 10 रुपया किलो। जी, आपने सही सुना, मात्र 10 रुपया किलो। क्योंकि मैं हर साल मेले में 3 क्विंटल जलेबी बनाता हूँ और आज देखना है कि पब्लिक कितना आती है और कितना भीड़ लगता है। तो आप वीडियो में बने रहिए और आज देखिए आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो मैं भी चलता हूँ मेले की तैयारी करने, बहुत से सामान ही बनाने मुझे, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, मैं भी कर रहा हूँ तैयारी अपनी दुकान की, आप देख सकते हैं पीछे, और धीरे धीरे मेला लगना शुरू हो गया है यहाँ पे। हर साल के बाद इस साल भी BSNL भैया, आपको मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, आज मेले में पाव रोटी बेच रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं। ये मेरे भैया के जिगरी दोस्त भी हैं, हरिंदर भैया के। आप देख सकते हैं पीछे मेरी दुकान लग चुकी है और अभी धीरे धीरे भीड़ हो रहा है, काफी भयानक भीड़ होता है यहाँ पर। आप वीडियो में बने रही, आज बहुत ही जबरदस्त मजा भी आने वाला है। और आज जलेबी बेचेगी मात्र 10 रुपया किलो और आज पब्लिक का रिएक्शन देखना क्या होता है, तो आप वीडियो में बने रहिए। और मैं बता दूं कि जिस तरह से मौसम है, ये जलेबी बिकेगा नहीं, रिश्तेदारी में ही भिजवाना पड़ेगा। और बहुत भयंकर भीड़ का पता तो नहीं, लेकिन बरसात स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर और दुकानदार काफी परेशान हो गए हैं बरसात के कारण, आप देख सकते हैं पीछे। और मैं बता दूं कि मेला रद्द हो चुका है बारिश के कारण और उम्मीद जग रही है कि अगर शायद बंद हो जाए भगवान, अगर बारिश बंद हो जाए तो 2-3 क्विंटल जलेबी है निकल सकता है। और रिएक्शन पब्लिक का नहीं, आप रिएक्शन मेरा देख सकते हैं कैसा हो गया है।